हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द कार कार्टर चैनल आज हम बात करेंगे मारती सुजू की एम के बारे में अर्टिग सेकंड जनरेशन का फेस्लिप मॉडल आप ये देख रहे हैं जो मिलेगा आपको सिंगल पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ यहाँ मिलेगा आपको 1.5 पॉइंट लीटर का के फिफ्टीन थ्री बी एस सिक्स स्टेज टू कंप्लाइन पेट्रोल इंजन ऑप्शन जो आते हैं सी के साथ भी टोटल नाइन वेरियंट्स मिलते हैं आपको इधर शुरू होता है नाइन लाख एटी थाउजेंड रुपीजी से लेकर फिफ्टीन लाख ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ ऑन रोड प्राइस यू डेली अब प्राइसज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं स्टेज टू कंप्लाइन के बाद ये जो आप सामने मॉडल देख रहे हैं ये वी एक्स आई मॉडल जो पड़ेगा आपको ऑन रोड ग्यारह लाख पाँच हजार रुपए का ऑटोमेटिक एंड सी एन जी का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको इधर इधर मिलती है आपको डायनेमिक क्रोम विंग फ्रंट ग्रिल ये ग्रिल मिलती है आपको वी एक्स आई वेरियंट से बीच में मिलता है आपको बड़ा सा सुजुकी का लोगो चारों तरफ आपको क्रोम फिनिश का काम देखने को मिल जाएगा ऐसी दिखती है इसकी लोअर ग्रिल जो मिलेगी आपको मार्ट ब्लैक फिनिश के साथ यहाँ पे टोइंग हुक और यहाँ पे लगी फॉग फॉकलैम्प के एसेसरी डबल फोर वन जीरो रुपीज में अदरवाइज आपको वी एक्स आई मॉडल में फीचर नहीं मिलता मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलम्स मिलते हैं आपको हाई बीम के साथ एंड लो बीम मिलेगा आपको प्रोजेक्टर हेडलेम्प के साथ सारा सेटअप आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है डी आर एल्स का फीचर नहीं अवेलेबल है इधर ऐसे देखता है इसका इंजन बोनेट बैक साइज़ की फ्रंट विंडशील्ड मिलती है आपको अंडर इंजन कवर का फीचर नहीं मिलता आपको अर्टिगाम में आगे मिलेगा आपको मैक पियसन स्ट्रेड विथ कॉय स्प्रिंग का सस्पेंशन पीछे मिलेगा आपको टॉर्शन बीम विथ कॉयल स्प्रिंग का सस्पेंशन यहाँ मिलते हैं आपको दो वॉशर्स दो सिंगल ब्लेड वाइपर्स मिलेंगे ए पिल मिलता है आपको बॉडी कलेट बॉडी कलेट ओ आर बी एम विद एल ई डी टर्न इंडिकेटर यहाँ पे डिजाइन एलिमेंट और इधर लगी है मशीन कटल व्हील्स की एसेसरी जिनका प्राइस पड़ेगा आपको थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज फॉर द फोर ऑय व्हील्स यही व्हील्स आपको जेड एक्साई एंड जेड एक्साई प्लस में भी देखने को मिल जाते हैं ये मिलते हैं आपको टू टोन के साथ प्रोफाइल मिलेगा आपको इधर वन एटी फाइव बाई सी फाइव आर फिफ्टीन ए डेल टायर और यहाँ पे लगी लग है बॉडी साइड मोल्डिंग के एसेसरी विद क्रोम इंसर्ट इसका प्राइस पड़ेगा आपको थ्री नाइन एट नाइन रुपीज बॉडी कलर आउटसाइड डोर हैंडल्स एंड बी पिलर मिलता है आपको मार्ट ब्लैक फिनिश के साथ सी पिलर भी आपको मार्ट ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा और यहाँ पे मिलता है आपको ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट यहाँ पे लगे डोर वाइजर की एसेसरी एंड इसका प्राइस पड़ेगा आपको वन सिक्स नाइन जीरो रूपीज़ का यहाँ पे मिलता है आपको रूफ एंटीना ऐसा दिखता है इसका रूफ रूफ कैरियर या रूफ रेल्स आप एसेसरी में लगवा सकते हैं यहाँ पे मिलेगा आपको डिजाइन रेयर स्पॉलर भी आप एसेसरी में लगवा सकते हैं ऐसा दिखता है इसका रेयर प्रोफाइल लुक और टिका वी एक्स आई मॉडल का टोटल टू ईयर्स या फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है आपको इधर जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू फोर और फाइव ईयर्स और वन लाख किलोमीटर्स डीलर के थ्रू सिंगल टोन में मिलता है आपको इसका रेयर बम्पर और यहाँ पे मिलती है आपको स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग सी एन जी के साथ आपको स्मार्ट हाइब्रिड का फीचर नहीं मिलता बीच में मिलता है आपको सुजुकी का लोगो और यहाँ पे है अर्टिका की बैजिंग एंड थ्री स्टाइल के साथ मिलती है आपको यहाँ पे एल टेल लाइट्स जो है स्टैंडर्ड फीचर चाहे आप बेस मॉडल लें या टॉप मॉडल ऊपर वाला पार्ट आपको लाइट अप नहीं मिलता लाइक एक्सेल सिक्स रियर डी फॉकर या वाइपर या वॉशर का फीचर अवेलेबल नहीं है वी में एल में मिलता है आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प सिंगल टोन के साथ मिलता है आपको इसका रेयर बम्पर लुक यहाँ पे रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट चार रिवोस पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं आपको रेयर बंपर पे जो है स्टैंडर्ड फीचर एंड राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको इसका एग्जॉट पाइप एंड इसके साथ मिलेगा आपको इसका स्पेयर टायर जो मिलेगा आपको ब्लैक स्टील व्हील में सेंटर में मिलता है आपको इसका टोइंग हुक जो आपको राइट हैंड साइड पर भी देखने को मिल जाता है आइए इसका बूट खोल के देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है आपको इधर साथ में है लाइसेंस प्लेट के लाइट्स हेलोजन बल्ब के साथ और यहाँ मिलता है आपको टू जीरो नाइन लीटर्स का बूट स्पेस अभी थर्ड रो फोल्ड डाउन है तो अभी आपको ज्यादा बूट स्पेस मिलेगा स्प्लिट टाइप लगेज पोर्ट का फीचर मिलता है आपको इधर पेट्रोल मॉडल्स के साथ जो सी के साथ अवेलेबल नहीं है काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाती है आपको इधर और इस साइड मिलेगा आपको इसका स्पेट एंड नट काफ़ी ज़्यादा सामान आप इधर भी रख सकते हैं टूल किट मिलती है आपको राइट हैंड साइड पे इस तरीके से आप इसको खोल पाएंगे एंड बंद कर पाएंगे लगेज स्लैंप या लगेज हुक का फीचर नहीं मिलता है आपको इस बूट में थर्ड वोक को फोल्ड डाउन करने के बाद मिल जाती है आपको साढ़े पाँच सौ लीटर्स की बूट स्पेस एंड सेकेंड एंड थर्ड वोक को फोल्ड डाउन करने के बाद मिलती है आपको आठ सौ की बूट स्पेस इतना कुछ लेग स्पेस मिलता है आपको इधर यहाँ मिलता है आपको बिग साइज़ का कप होल्डर हार्ड प्लास्टिक फिक्स विंडो मिलती है आपको इधर फिक्स क्रैप हैंडल रूफ वेंस का फीचर नहीं मिलता आपको फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स ऐसे ही आपको फिक्स क्रैप हैंडल फिक्स विंडो और ऐसे ही आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ बिग साइज का कप होल्डर ई एल आर सीट बेल्ट मिलती हैं आपको सारे पैसेंजर्स के लिए इमरजेंसी एग्जिट का फीचर नहीं मिलता आपको स्टेल गेट पे यहाँ पे मिलेगा आपको एक ग्रैब हैंडल इस बूट को बंद करने के लिए आइए इसको बंद कर देते हैं आइए इसका रेयर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं बेस कलर की मिलती है आपको यहाँ पे डो पैडिंग ऐसा दिखता है इसका लेफ्ट हैंड साइड का रेयर पैसेंजर डोर और इधर मिल जाता है आपको क्रोम फिनिश के साथ इन डोर हैंडल लॉकल लॉक बटन पावर विंडो का स्विच मिलता है आपको ब्लैक फिनिश में स्टोरेज स्पेस वेट काफी बड़ी मिलती है आपको डोर माउंटेड आमरेस्ट हार्ड प्लास्टिक के साथ और यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक डोर पॉकेट मिलती है आपको मल्लेटर बॉटल होल्डर के साथ साथ में है स्पीकर की प्लेसमेंट ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर यहाँ पे लेके सीट कवर की एसेसरी डबल नाइन टू फाइव रूपीज में ये कारपेट की एसेसरी इसका प्राइस है वन सिक्स फाइव जीरो रुपीज इस तरीके से आप इसको रिक्लाइन एंड स्लाइड कर पाएंगे यहाँ से कर सकते हैं आप रिक्लाइन और स्लाइड कर पाएंगे थर्ड रो की सीट्स को आप सिर्फ रिक्लाइन कर पाएंगे इतना कुछ लेग स्पेस मिलता है आपको सेकेंड रो की सीट को आप स्लाइड भी कर सकते हैं पूरा स्लाइड करने के बाद आपको कुछ इतनी लेग स्पेस मिलती है थर्ड रो में जो काफी ज्यादा कम है ऐसी आप दूसरी सीट को भी स्लाइड कर सकते हैं इतना कुछ स्पेस मिलता है आपको तीनों रोज में आपको एडजस्टेबल हेडब्रेस्क का फीचर मिलता है आर्टिका में रेयर में आमरिस का भी फीचर मिल जाता है आपको वही एक सी मॉडल में कप होल्डर का फीचर अवेलेबल नहीं है आई एफ एक्स माउंट्स मिलेगा आपको इधर जो भी सीट कवर्स के नीचे छुपा हुआ है एंड फ्रंट पैसेंजर सीट के नीचे मिलती है आपको स्मार्ट हाइब्रिड बैटरी आप देख सकते हैं सत्ताईस सौ चालीस एम का व्हील बेस मिलता है आपको इधर ये है मिनिमम लेग स्पेस और यह है इसका मैक्सिमम लेग स्पेस हम्प भी आपको काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है अर्टिका गाड़ी में यहाँ पे मिलता है आपको बैक पॉकेट का फीचर इन सीट कवर्स के पीछे बढ़िया फ़ीचर इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं खोल सकते हैं दोनों सीट्स के पीछे मिल जाता है और यहाँ पे है ट्वेल्व वोल्ट का सॉकेट लेकिन इसके नीचे कोई भी स्पेस नहीं मिलती स्मार्टफोन को रखने के लिए एसी रूफ वेंट्स मिलते हैं आपको सेकेंड रो में जो काम करेंगे सेकेंड एंड थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए यहाँ से आप फैन स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे मानुअली यहाँ पर मिलती है आपको रीडिंग लाइट हेलोजन बल्ब के साथ पीछे है फिक्स ग्रैप हैंडल यहाँ पर है रिट्रैक्टेबल एक मिलता है आपको आगे कोटुक का फीचर किसी भी ग्रैब हैंडल में अवेलेबल नहीं है आप देख सकते हैं और ऐसा दिखता है इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से टू टोन में मिलती है आपको इंटीरियर थीम आइए गाड़ी के बाहर चलते हैं ऐसा मिलेगा आपको इसका साइड प्रोफाइल लेंथ मिलेगी आपको इधर फोर थ्री नाइन फाइव एम एम की वेथ है वन सेवन थ्री फाइव हाइट है वन सिक्स नाइन जीरो एंड व्हील बेस है टू सेवन फोर जीरो एम एम का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा आपको वन एटीटी फ्रंट इंजन एंड फ्रंट व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको इधर टर्निंग रेडियस मिलेगा आपको फाइव पॉइंट टू मीटर कव वेट एंड ग्रॉस वेट डिपेंड करेगा वेरियंट टू वेरियंट पे काट है ग्यारह सौ साठ किलो का एंड ग्रॉस वेट है सत्रह सो साठ किलो का एंड वी एक्स आई मॉडल के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलेंगे आपको डुअल फ्रंट ए बैग्स ए बी एस विद ए बी डी एंड ब्रेक असिस्ट आई फिक्स, ई एस पी हेडलोल असिस्ट फायर एस्टिंग फॉर द सी एन जी वेरियंट रेयर पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर लैम्प विद बजर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर फ्रंट सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर एंड फोर्स लिमिटर हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम स्पीड सेंसेटिव ऑटोडोर लॉक सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम सेंटर लॉकिंग विद रिमोट एंट्री सिस्टम इंजन डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक डोर वार्निंग लैम्प हेडलैप ऑन लो फ्यूल एंड की ऑफ वार्निंग इंडिकेटर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको अर्टिगा वी एक्स आई मॉडल के साथ बैकडोर गार्निश पे आपको क्रोम इंसर्ट का काम नहीं मिलता इस वेरिएंट में वो मिलता है आपको जेड एक्स आई एंड जेड एक्स आई प्लस मॉडल्स के साथ रिव्यू आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन से और ऐसे देखते हैं इसके थ्री डी एलई डी टेल लैम्प ऑन होने के बाद वे टर्न इंडिकेटर साइड टर्न इंडिकेटर एंड लाइसेंस प्लेट की लाइट्स मिलेंगी आपको हेलोजन बल्ब के साथ टेल लैंप्स मिलते हैं आपको एलईडी में ये फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड ऐसे देखते हैं इसके थ्री डी एल ई डी टेल लैम्स ऊपर वाला पार्ट आपको लाइट अप नहीं मिलता जो आपको एक्सेल सिक्स में देखने को मिल जाता है ऐसे देखेंगे इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्स ऑन होने के बाद विद फ्रंट पॉगलेम्पलेम्स लगे एसेसरी में डबल फोर वन जीरो रूपीज में इसका सिक्स सीटर वेरियंट भी आता है एक्सेल सिक्स के नाम से जो सेल होता है नेक्सा डीलरशिप से अर्टिका में आपको सिर्फ सेवन सीटर वेरियंट ही मिलता है इसका रिबार्ज वर्जन भी आता है टोएटा रूमी के नाम से जो सेल होता है अफ्रीकन कंट्रीज में यह लो बीम प्रोफाइल और यह इसकी हाई बीम प्रोफाइल अर्टिका का नाम डिराइव हुआ इंडोनेशियन लैंग्वेज से टीका का मतलब होता है थ्री एन आर का मतलब होता है रोज तो अर्टीका तीन जगह इसकी असेंबली होती है थेलावा थिलानेशिया एंड गुड़गांव हरियाणा इंडिया एंड इसका फेस्ले मॉडल लॉन्च हुआ अप्रैल टू में पॉल मिड नाइट ब्लैक कलर भी अवेलेबल है जो आता है साथ एंड अदर कलर्स मिलते हैं आपको सिल्वर व्हाइट ब्लू ग्रे ब्राउन एंड रेड इसका कमर्शियल फ्लीट पे भी एक वहीकल आता है टू रेम के नाम से आप वो भी ले सकते हैं सुजुकी के लाइट वेट हार्टेड प्लेटफॉर्म पे बनती है मारती सुजुकी अर्टिका और यहाँ पे मिलते हैं आपको दो रिमोट कीज लॉक अनलॉक बटन के साथ ऑटो फोल्डेबल ओ आर का फीचर अवेलेबल नहीं है इधर पीछे मिलता है आपको सुजुकी का लोगो आइए इसका ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं यहाँ पे मिलती है आपको बेच कलर की डो पैडिंग ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रे इंसर्ट का फीचर फ्रंट टू डोज पे जो रेड डोज पे अवेलेबल नहीं था आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश के साथ मिलता है आपको इन डोर हैंडल लॉक अनलॉक बटन ऑटो अप या ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको एंटी पंच के साथ ड्राइवर साइड पावर विंडो पे ब्लैक फिनिश में मिलते हैं आपको पावर विंडो के स्विचेस ये मैनुअल सेंटर लॉकिंग का बटन साथ में है रेप पावर विंडोज को लॉक करने के लिए बटन और यहाँ से आप ओ आरवीएम्स को एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली ट्विटर का फीचर नहीं मिलता आपको वी एक्स मॉडल में यहाँ पे प्लेसमेंट मिलेगी आपको स्पीकर की फ्रंट में पॉकेट वन लीटर बॉटल होल्डर के साथ हार्ड प्लास्टिक मिलता है आपको इधर डोर मोटेडम्रेस पे स्टोरेज स्पेस और ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर ड्राइवर साइड से टू टोन में मिलती है आपको इंटीरियर थीम ऐसा दिखेगा अटिगा का वी एक सी मॉडल यहाँ पे मिलता है आपको ग्रे फिनिश हार्ड प्लास्टिक के साथ यही फिनिश आपको डो पार्टिंग पे भी देखने को मिल जाता है इस साइड क्रोम एक्सेंडर काम मिल जाता है आपको ए सी की नॉब पर यहाँ से आप ब्लोर्स को ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर मिलता है आपको हाई बीम एडजस्टर नॉब एंड इसके साथ में मिलता है आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन ये फॉकलम के कंट्रोल जो है एसेसरी का पार्ट जो लगा है डबल फोर वन जीरो रुपीज़ में अदरवाइज नहीं मिलता आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन नीचे मिल जाती है आपको यूटिलिटी स्पेस स्मार्टफोन या वॉलेट रखने के लिए ऐसे आप इसको खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं इंजन बोनेट खोलने के लिए लीवर ये इसकी पैडल पोजिशनिंग डेड पैडल भी आपको मिल जाता है ब्लैक फिनिश में यहाँ से खोल सकते हैं आप फ्यूल फ्यूलिट यहाँ पे है टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन एच एच ए नंबर ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का फीचर अवेलेबल नहीं है यहाँ पे है सीट कवर की एसेसरी ये रिक्लाइन करने के लिए लीवर और यहाँ से कर सकते हैं आप स्लाइड ड्राइवर सीट को और कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको सीट कवर्स में आप लगवा सकते हैं इनका प्राइस है डबल नाइन टू फाइव रुपीज़ ऐसी देखते हैं इसका कैबन लुक तीनों रोज़ में आपको एडजस्टेबल हेड्रेस का फीचर मिलेगा बेस कलर की रूफ लाइनिंग मिलती है आपको ऑर्टिका गाड़ी में आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं ऐसा मिलेगा आपको इसका कैबन लुक वी एक सई मॉडल का फ्लैट बॉटम डिज़ाइन के साथ मिलता है आपको इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग व्हील बढ़िया फीचर ये भी फीचर मिलेगा आपको स्टैंडर्ड थंब कंट्रोल का फीचर मिल जाता है आपको इधर स्टेयरिंग व्हील का वर्स आप एसेसरी में लगवा सकते हैं यहाँ पे है, है साटिंग क्रोम एक्सल का काम जो आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के सराउंडिंग में भी देखने को मिल जाता है दोनों साइड सुजुकी का लोगो इसका हॉर्न सेटअप डुअल फ्रंट ए बाक्स मिलते हैं आपको इधर यहाँ मिलते हैं आपको ऑडियो के कंट्रोल्स म्यूट बटन के साथ और नीचे मिलेंगे आपको कॉलिंग कंट्रोल्स ब्लूटूथ का बटन मिलता है आपको अलग से क्रूज कंट्रोल का फीचर नहीं अवेलेबल है वी एक्स आई मॉडल में यहाँ पे है लाइट इंडिकेटर कंट्रोल्स राइट हैंड साइड लीवर पे लेफ्ट हैंड साइड लीवर पे मिलते हैं आपको वाइपर एंड वॉशर कंट्रोल्स विद फोर स्पीड एंड स्टेरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो टेल्ट वे में ही कर पाएंगे ऊपर नीचे कर पाएंगे आप टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग एडजस्टमेंट का फीचर अवेलेबल नहीं है आइए गाड़ी ऑन कर लेते हैं ऐसा मिलता है आपको इसका मल्टी इनफॉर्मेशन डिस्प्ले टी एफ टी स्क्रीन के साथ जो मिलेगा आपको कलर ये फीचर मिलता है आपको स्टैंडर्ड चाहे आप एल एक्स आई मॉडल लें या जेड एक्स आई प्लस रिव्यू आपको मिल जाएगा हर एक मॉडल का आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन से अंडर मारती सुजों की रिव्यूज लेफ्ट साइड में लेगा आपको आरपे मीटर यहाँ पे है टेम्पेचर गॉच यहाँ पे फ्यूल गॉच और ये स्पीडो स्मार्ट हाइब्रिड की बाजिंग मिलती है आपको इधर इधर मिलेंगे आपको दो नॉब्स इधर से आप एक्सेस कर पाएंगे लेफ्ट एंड साइड नॉब से आप डोल ट्रप मीटर्स एंड टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स को एक्सेस कर पाएंगे एंड रीसेट कर पाएंगे इस तरीके से एंड राइट हैंड साइड नॉब से आप कई सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं लाइक अदर मारुति कार्स एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रेंज इंसेंट किलोमीटर पर लीटर ड्राइविंग टाइम टोटल आइडल स्टॉप टाइम डेट एंड टाइम मोशन टॉक एंड पावर के लेवल्स एक्सेलोरेशन ब्रेक के लेवल्स और ये हाइब्रिड की इन्फॉर्मेशन ये ब्लैंक स्क्रीन और इसको आप कॉन्स्टेंटली प्रेस करेंगे तो आप सेटिंग मोड पे चले जाएंगे उधर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सेट कर पाएंगे एम के थ्रू ये आपको फीचर हर एक मारुति की गाड़ी में देखने को मिल जाता है जो हाल फ़िलहाल में लॉन्च हो रही है और ऐसे कुछ डिज़ाइन के मिलते हैं आपको यहाँ पर सेंटर रिसीवेंट्स प्रोमैक्सिन के साथ जो आपको इधर भी देखने को मिल जाएंगे ऐसा कुछ डिजाइन मिलता है आपको ए सी पे टॉप मॉडल के साथ मिलते हैं आपको टोटल फोर एग्स यहाँ पे मिलेंगे आपको डुअल फ्रंट एग्स यहाँ पे एक ग्रे फिनिश हार्ड प्लास्टिक के साथ जो आपको पूरे डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगा जो कनेक्ट करता है डो पार्डिंग तक यहाँ पे सिक्योरिटी अलार्म का सेंसर साथ में मेंजार लाइट का बटन बानवल ए मिलता है आपको इधर टोटल आठ ए सी मिलते हैं आपको अर्टिगा हुई एक साल में पीछे मिलते हैं आपको चार रूफ वेंट्स फॉर द सेकेंड एंड थर्ड रो पैसेंजर्स आगे मिलते हैं आपको चार ए सी विन्स यहाँ पे यू एस पी एनऑक्स के पोर्ट राइट हैंड साइड पे एंड साथ में मिलता है आपको ट्वेल्व वोट का पावर एसेसरी सॉकेट और एक आपको सेकेंड में भी मिल जाता है यहाँ पे स्टोरेज स्पेस एयर एयरकोल ट्विन का होल्डर्स का फीचर मिलता है आपको अर्टिका में स्टैंडर्ड इधर से आप लोअर इफेक्ट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं इसकी मदद से वी एक्स आई मिलता है आपको फाइव स्पीड मैनुअल या सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक बॉक्स के साथ आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसी फिनिशिंग मिलती है आपको इस बॉक्स यूनिट की आप देख सकते हैं हैंड ब्रेक के नीचे मिलती है आपको स्पेस हैंड ब्रेक मिलेगी आपको क्रोम टिप के साथ एंड ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ इतना स्पेस मिलता है आपको ग्लव बॉक्स में काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है कूल ग्लव बॉक्स का फीचर अवेलेबल नहीं है अटिका के साथ पैसेंजर साइड सनवाइजर पर मिलेगा आपको वेनिटे मेरर का फीचर यहाँ पे मिलती है आपको एक रीडिंग लाइट हेलोजिन बल्ब के साथ ब्लूटूथ माइक आर बी एम मिलता है आपको एडजस्टेबल एंड ड्राइवर साइज सनवाइजर पे मिलेगा आपको टिकट होल्डर का फीचर वेनिटे मेरर का फीचर अवेलेबल नहीं है ऐसा दिखता है इसका डैशबोर्ड लुक इंजन बोनेट भी आपको विजिबल मिल जाता है ड्राइवर सीट से ऑरेंज कलर की एलिमिनेशन लाइट मिलती है आपको बटन्स पे ड्राइवर साइड पावर विंडो का बटन मिलता है आपको एलिनेटेड आप देख सकते हैं ऑटो डाउन एंड ऑटो अप का फीचर मिलेगा ये फीचर मिलता है आपको एंटी पिंच के साथ बढ़िया फीचर इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड ट्रैक कर पाएंगे आप ओ आर वी एम्स को की सिंक्रोनाइज ऑटो फोल्डेबल ओ आर वी एम्स का फीचर नहीं मिलता है आपको वी एक्स आई मॉडल में वो मिलेगा आपको जेड एक्स आई प्लस मॉडल के साथ ही स्मार्ट हाइब्रिड का फीचर मिलता है आपको पेट्रोल मॉडल्स के साथ इधर मिलेगा आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन ये नोटिफाई करता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर भी ऐसा दिखेगा इसका कैबिन लुक एंड वी एक्स मॉडल के साथ मिलता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक टच बटन्स के साथ ऑडियो सिस्टम कोई भी फिजिकल बटन्स नहीं मिलते आपको सारे टच बटन्स मिलेंगे सपोर्ट करेगा रेडियो यू ब्लूटूथ एंड नॉक्स को चार स्पीकरस मिलते हैं आपको इधर ऐसे आप ऑफ भी कर सकते हैं डिस्प्ले को और ऑन भी कर सकते हैं इस तरीके से ये फीचर मिलता है आपको वी एक्स ए मॉडल के साथ ही एंड रिवर्स केट लगाने पे कुछ ऐसी साउंड सुनाई देती है सेंसर्स का डिस्प्ले नहीं मिलता आपको एम आई डी पे यहाँ पर मिलता है आपको मार्ट ब्लैक फिनिश तो ये सब फ़ीचर्स मिलते हैं आपको वी मॉडल के साथ आई गाड़ी को बंद कर देते हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है गाड़ी को बंद करने के बाद और ये है इसकी डोर हजार वार्निंग आई इसका फ्यूलेट खोल के देखते हैं फोर्टी फाइव लीटर्स की मिलती है आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी पेट्रोल के साथ सीएनजी में मिलेगी आपको सिक्सटी लीटर्स की आइए इसका इंजन बुलेट खोल के देखते हैं यहाँ पे मिलती है आपको डैम्पिंग फॉर बेटर इंसुलेशन जो आपको इधर भी देखने को मिल जाता है अंडर इंजन कवर का फीचर नहीं मिलता आपको इधर और यहाँ मिलता है आपको वन लीटर का के स्मार्ट हाइब्रिड बी स्टेज सिक्स स्टू पेट्रोल इंजन फोर सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करेगा वन जीरो की पावर वन थर्टी सिक्स टॉक के साथ कंपनी माइलेज क्लेम करते ट्वेंटी पॉइंट फाइव वन की फॉर द मैनुअल एंड ट्वेंटी पॉइंट थ्री जीरो फॉर द ऑटोमेटिक आता है फाइव स्पीड मैनअल या सिक्स पेड ऑटोमेटिक गेरबॉक्स के साथ सी का भी ऑप्शन है फिगर्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर तो कैसी लगी आपको अर्टिग वी एक्स आई मॉडल कमेंट्स में बताइए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉर वॉचिंग